मियां अब्दुल मतीन एडवोकेट बात कर रहा हूं, आप रोकेंगे नहीं, वीडियो बन रही है। मैं सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे गंदे बैंक में आया हूं, जिसके अंदर रूल ये बना दिया है कि एक बंदा दूसरे का फॉर्म जमा नहीं करवा सकता। ये जरा चेक कीजिए, इन बच्चों के सप्ली के पेपरों ने, आप गार्ड को बुलाएं और मैं फिर उस गार्ड को भी देख लूंगा क्या करना उसने। ये वीडियो पब्लिश होगी, मैं लड़ने के लिए नहीं आया, मैं लोगों को बता रहा हूं। एक मिनट, आपकी बात भी सुनता हूं थोड़ी देर बाद। ये चार फॉर्म सप्ली होल्डर्स बच्चों के हैं, वो बच्चे अपनी अकेडमी में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनका एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। ये मेरा बच्चा फॉर्म जमा कराने आया और ये बंदा इधर कौन बैठा है उसको उठाए, ये कहता हम जमा नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं कि जरा पीछे हो जाए, मैं व्यू में नहीं आ रहा, प्लीज सर बात करें ना, यहां पर बात करो ना, मैं आपसे बात भी कर लेता हूं, हमसे बात करो ना। गवर्नमेंट ने फजूल किस्म के ठेके थर्ड क्लास एचबीएल बैंक को दे दिए, ये शादरा मोड़ ब्रांच, आपने कुछ किया उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा भाई। क्या आपका, अब मैं ये जरा सबको दिखाएं, ये यहां पर बुजुर्ग लोग लाइनों में खड़े हैं अपनी पेंशन लेने के लिए, यहां पर बच्चे खड़े हैं। नहीं, आप बंद नहीं करेंगे, आप बंद नहीं करेंगे, ये ठीक कर रहे हैं हम, आपने सबको पागल बनाया, यहां पर कोई बंदा सही तरह काम नहीं कर रहा, आप इस तरह नहीं करेंगे। हाथ पीछे, इधर अभी 15 को कॉल भी करेंगे हम, बदतमीजी कर रहे हैं ये। वहां से उठ के मुझे अदारे से आना पड़ा, ये कोई तरीके का है एचपीएल का? बदतमीज स्टाफ, गंदा स्टाफ, काम ना करने वाला स्टाफ। आप अपने काम की बात करो, मैं काम की बात कर रहा हूं। ये फॉर्म जो है, कह रहे किसी को, ये चार बंदे जब यहां पर आकर लाइन में लगेंगे तो ज्यादा बेहतर असूल है, या एक ही बंदा चार बंदों के फॉर्म लेके आए तब ज्यादा असूल है, ये आप सबने बेहतर समझना है। और आप सब मुझे बताइए कि आया कि एचबीएल की सर्विस कैसी है। ठीक, इससे पहले भी एक वीडियो एचबीएल पर वायरल हो चुकी है, और फिर ये जवाब जो इनका एडमिनिस्ट्रेटर है और पूरे इलाके का डायरेक्टर है, उसने फिर कॉल करके माफी मांगी थी मुझसे। एक मरतबा फिर मौका हुआ है और फिर वक्त हुआ है इनको बदनाम करने का, क्योंकि ये वाकई बदनाम है, जमाना बैंक है। ये तमाम लोग हैं, ये सिर्फ मैं नहीं सताया, आप सब बताएं, सताए हुए एचबीएल से कि नहीं? जरा ऐसे करें, जरा एचबीएल से हर बंदा सताया हुआ भाई, करो करो यार, हमारी मजबूरी है यहां पर आना। अब मैं कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करूंगा, एचबीएल को जो ठेका मिलता है ये एमसीबी को मिले, अलबरका को मिले, मिजान बैंक को मिले, दीगर 100 तरह के बैंक हैं जिनको ये ठेका मिलना चाहिए, ये फजूल ठेकेदार बने पड़े हैं विद थर्ड क्लास सर्विस। आप सबका बहुत शुक्रिया।